नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम लोग पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के किस तरीके से हालात हैं, इसकी भविष्यवाणी तो बहुत पहले से हो रखी थी। खुद कई पाकिस्तानी भी इसकी भविष्यवाणी करते रहते थे कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तानी आटे के लिए लाइन में लग करके, पानी की लाइन में लग करके, दवाइयों की लाइन में लग करके एक दूसरे को मार काट रहे थे। लेकिन हुआ क्या, वहां पे भी एक एनार्किस्ट नेता है जिसका नाम है इमरान खान, उसने भी दुनिया भर के लोगों को बरगला रखा है, दुनिया भर के घोटाले कर रखे हैं। हालांकि जो उसके अपोजिट है वो उससे बड़े वाले घाघ हैं। मतलब पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में इस पिछले 4-5 दिनों में हुआ है वह आंखें खोलने वाला है किसी भी देश के लिए, और खासकर ऐसे देश के लिए जिसकी नींव ही इस्लाम के नाम पर पड़ी थी, मुसलमानों के नाम पर पड़ी थी। हुआ क्या, वो आप सभी लोगों को पता है। इमरान खान को एक मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कैसे किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट करके पाकिस्तानी रेंजर्स ले गए। पाकिस्तानी रेंजर्स जब लेकर के गए, मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट बड़ा आग बबूला हुआ, आईजी को बुलाया, डीआईजी को बुलाया, हुआ कुछ नहीं। उसके बाद मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एकदम लाल पीला हो गया वहां का, इमरान खान को तुरंत रिहा करो। तब तक 100 से अधिक लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके थे। पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे हमला हो चुका था, आईएसआई के हेडक्वार्टर्स को जला दिया गया था, पाकिस्तान का रेडियो फूंक दिया गया था। ऐसे 200 ऐसे केसेस हुए थे जो किसी देश में अगर होते हैं तो उस देश की सिचुएशन और हालात को समझा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान की जनता ने सड़कों पर आर्मी के लोगों को पीटा, आर्मी के बहुत सारे स्टैचू और दुनिया भर की सारी चीजें बन रखी थी उनके शहीदों की, उसको तोड़ा, साथ के साथ गाली दी अपने देश की आर्मी को। ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ, अदरवाइज आर्मी की इज्जत ठीक ठाक लोग पाकिस्तान के अंदर करते थे। मैं भारत की बात नहीं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूं। अच्छा जी, नारा क्या लगा कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले। ये तो पाकिस्तान के संदर्भ में थी। हालांकि अब इमरान खान को जमानत मिल गई है, जमानत मिल गई, इमरान खान बाहर आया चौड़े से, उसने कहा कि शांत हो जाओ, मैं बाहर आ चुका हूं। इमरान खान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर मुझको जो जेल हुई तो देश में आग लगेगी तो उसकी जिम्मेदार यहां की सरकार होगी। लेकिन वहां की मंत्री डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर किस तरीके की टिप्पणी कर रही थी या कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। इमरान खान के पार्टी पीटीआई के कई और मंत्री गिरफ्तार हो गए, वो भी पाकिस्तान में सब लोग देख रहे थे। इसके अलावा एक और बात हुई अमेरिका की। अमेरिका ने बयान जारी किया पाकिस्तान के ऊपर कि हम पाकिस्तान के हालात पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका इतना हिपोक्रेट देश है कि अगर अभी किसी दूसरे देश की बात होती तो मानवाधिकार को लेकर के, सेंसन को लेकर के, बैन को लेकर के पता नहीं क्या क्या कर डालता अमेरिका। लेकिन इमरान खान की अमेरिका से जमती नहीं है और अमेरिका ने इमरान खान की सरकार पलट करके शहबाज शरीफ की सरकार बनाई है। और पाकिस्तान में तो लोग कह ही रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो अमेरिका के इशारे पे हो रहा है और इसमें सेना शामिल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और बुरे दिन तब शुरू हो जाते हैं जब पाकिस्तान की सेना भी आपस में दो गुटों में बट गई है। एक गुट है जो वो शहबाज शरीफ को समर्थन करता है और एक गुट जो है वो इमरान खान को समर्थन करता है। पहले ऐसे कभी नहीं होता था। पहले पाकिस्तान की सेना जिसको चाहती थी प्रधानमंत्री बनाती थी और अपने हिसाब से देश चलाती थी। जब उसको हटाने का मन होता था वो नहीं हटने को कहता था तो आराम से उसको हटा करके मार्शल लॉ लगा देती थी या एक तरीके से वहां पे कब्जा कर लेती थी और राष्ट्रपति बैठ जाता था, जैसे परवेज मुशर्रफ या इससे पहले भी बहुत सारे। अब पाकिस्तान में ये बात होने लगी है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस हालात के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है।
ये तो बड़े खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यालय पाकिस्तान के अंदर भी खुल गया है। हम लोग तो मजाक मजाक में कहते थे कि जब पीओके को भारत लेगा तो वहां पे चलेंगे हम लोग, और वहां से कोई कहता था कि हम चुनाव लड़ेंगे, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था जमीन खरीदेंगे। सोचिए कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भाजपा आरएसएस जिम्मेदार है, और इसी तरह इस देश के अंदर भी कहते हैं सब विपक्षी पार्टियां कि भारत में सौहार्द खराब हो रहा है, आरएसएस और भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। ये सब हुआ क्यों? ये सब अचानक नहीं हुआ। बेसिकली पाकिस्तान में सब जब हो रहा था तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोदी के नारे लगा रहे थे, और पाकिस्तान में जो इमरान के समर्थक थे वो मोदी से मदद की अपील भी कर रहे थे, और साथ के साथ ये भी नारा लगा रहे थे कि अमेरिका के नेपाले कुत्ते, वर्दी वाले वर्दी वाले। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, और ये हालात हैं हिपोक्रेट अमेरिका के। हालांकि पाकिस्तान के इस हालात में अमेरिका और इंग्लैंड दोनों की सिचुएशन ये है कि दोनों अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने एडवाइजरी जारी करने तक ही सीमित हैं। किसी तरीके के किसी बैन की बात, किसी तरीके के किसी मानवाधिकार की बात ये करते हुए कभी नहीं पाए जाएंगे, जबकि इनके यहाँ के बहुत सारे एनजीओ ग्रुप हैं। जब भारत में कहीं छोटी मोटी कोई भी घटना हो जाए तो इनका तुरंत अंतरात्मा जाग जाती है, मानवाधिकार तो फलाना अधिकार तो ढिकाना अधिकार, इन सब सारी चीजों की बात करने लगते हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस पर कोई कभी एक लाइन नहीं बोलता है। पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस पर इन लोगों को बोलने के लिए मौका नहीं है। ये हमेशा गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते हैं। हालांकि भारत के संदर्भ में जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर पे या जो एलओसी है उस पे तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनको कोई नहीं लड़ने के लिए मिलता है, कोई मौका नहीं मिलता है, तो ये क्या कर देंगे, वहीं से घुसपैठ करना शुरू कर देंगे, ये इधर ही मूव कर देंगे, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल है वही गड़बड़ है। और जब किसी देश का फंडामेंटल गड़बड़ हो ना तो फिर उसको सुधारा नहीं जा सकता है। अब तो गाये बाये भी बात होने लगी है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी चार टुकड़ों में टूट जाएगा। मैं भी बहुत लंबे समय से सुन रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि कब टूटेगा भाई, जल्दी टूट जाए, काम खत्म हो, झंझट खत्म हो। और ये आज के डेट में जो पाकिस्तान है और भारत में जो टेररिज्म है या भारत में जो इस तरीके की स्थिति है, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये अमेरिका का ही पाला हुआ है, और आज भी जो पाकिस्तान में हो रहा है ये अमेरिका का ही पाला हुआ है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भारतीय खुश हैं, पाकिस्तान जैसा देश इस धरती पर रहे ही ना, ये कलंक है, सब जल्दी मिटे, बहुत अच्छा हो। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात की जाती है तो देखा जाता है कि कितने हिपोक्रेट हैं पश्चिमी देश, जिसकी बात बार बार जयशंकर साहब करते रहते हैं, भारत के विदेश मंत्री, कि आप दो अर्थी और दोहरा रवैया नहीं अपना सकते हो अलग अलग देशों के लिए। आपको समन्वय में सारी चीजें देखनी होगी, टोटलिटी में सारी चीजें देखनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, अपने अपने सुविधाओं के हिसाब से देश चुन लो, वहां पे स्पॉन्सर टेररिज्म चलाओ, उसके थ्रू दूसरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये सब सही नहीं है। और ऊपर से हथियार लाबी, उसको अपने हथियार बेचने हैं, दो देशों के बीच में टेंशन नहीं रहेगी, दो भी देशों के बीच में तनाव नहीं रहेगा, तो हथियार बिकेंगे क्यों? दो देश अगर अच्छे भले रहेंगे तो क्या जरूरत है, मित्र बन के रहेंगे तो क्या जरूरत है। अच्छा, अमेरिकियों का क्या है, उनके इर्द गिर्द सब उनके मित्र हैं। इंग्लैंड वालों के क्या है, इंग्लैंड के इर्द गिर्द आयरलैंड को छोड़ दिया जाए तो भी कब्जा कर रखा आधा आयरलैंड इंग्लैंड वालों ने, तो वो भी मित्र हैं। कभी नाटो बना करके, कभी कुछ बना करके, कुछ बना करके सब इकट्ठा रहते हैं। लेकिन दुनिया भर में और कहीं भी उठा करके देख लीजिए तो हर जगह इन लोगों ने धनिया बो रखा है, हर जगह। कोई ऐसा देश नहीं है जिससे उस देश के अपने बॉर्डर देश के साथ डिस्प्यूट ना हो किसी न किसी चीज को लेकर। और अंग्रेजों ने तो जहां शासन किया वहां पर ये विष छोड़ करके गए, और वो देश आज भी 60 साल 70 साल 75 साल 80 साल 100 साल बाद भी झेल रहे हैं। करके तो ये अमेरिका में भी आए थे अंग्रेज, तब भी 52 देश बना करके आए थे,
बाद में अगर बाद में अमेरिकियों को समझ में आया तो उन्होंने उसको इकट्ठा करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना दिया। तो इस लाइव को करने का दो मोटिव था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आरएसएस और भाजपा पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवा रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और हम भारतीय और हम संघी होने की वजह से तो हमें गर्व है कि कम से कम तुमको लगा कि हम पाकिस्तान में भी हैं। हालांकि आरएसएस की शाखाएं पाकिस्तान में लगा करती थी, लालकृष्ण आडवाणी जी तो वहीं से आए थे बंटवारे के बाद, लाहौर में तो कराची में तो बहुत फेमस थी आरएसएस की शाखाएं, लेकिन वो बंटवारे से पहले की बात थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान अगर इस चीज से डर रहा है और उसका प्रधानमंत्री को ये बातें कहनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का प्रधानमंत्री कैसा है। और जिस देश में सेना गाली सुन रही हो तो सोच लीजिए उस देश की सेना कैसी है, और जिस देश में लोग रोटी के लिए लाइन में लगे हुए हों और वहाँ के नेता बड़े बड़े हवाई दावे करते हों तो सोच लीजिए कि वो देश है भी या नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान को जमानत मिल गई है, मामला शांत है, लेकिन अब उल्टा होने जा रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने धरना देने जा रही है कि इमरान खान को छोड़ क्यों दिए, और वहां के तो होम मिनिस्टर ने डायरेक्ट धमकी भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिलेगी, दो दिन बाद तुमको फिर गिरफ्तार करेंगे। तो ये सब किसके सह पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये देखेंगे। बाकी हम भारतीय खुश है, मौज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश नहीं रहना चाहिए, 4 टुकड़े में नहीं 6 टुकड़े में 36 टुकड़ों में बढ़ जाना चाहिए। ये दुखी कर रखे हैं 75 साल से हमें हर तरीके से, इनसे कितना ये प्रेम से तो मानने वाले हैं ही नहीं। लत्तम जुत्तम अपने में ही करें तो ठीक है, और हम भारतीय खुश हैं। होप आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।